बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। सो हियर वी आर डीलिंग विद किंगडम प्रोटेस्टा, और हम किंगडम प्रोटेस्टा को ट्रैश कैन किंगडम के नाम से जानते हैं, इसलिए कि इट इंक्लूड ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल, जिसको हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, जिसको हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, और फंगस लाइक प्रोटेस्ट भी इसमें शामिल है। सो आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एनिमल लाइक प्रोटेस्ट। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट को वी आर आल्सो कॉल्ड इट प्रोटोजोवन, हम इसको प्रोटोजोवन के नाम से भी जान सकते हैं। प्रोटोजोन्स, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोन मीन्स एनिमल्स, मीन दैट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में लैंड पे पहले इस प्रोटोजोन की एडाप्टेशन हुई है, ठीक है। सो इसकी हैबिटेट पे हम जाते हैं। सो हैबिटेट मींस दैट द प्लेस वेयर दे लिव, ये है एक्वेटिक मीडियम, मींस दैट ये पानी में पाए जाते हैं। एंड ऑल एनिमल लाइक प्रोटेस्ट्स आर यूनिसेलुलर, तमाम के तमाम में एक सेल होगा, और साथ में ये होंगे माइक्रोस्कोपिक। सो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में आप लोग ये बात याद रखिए कि तमाम के तमाम दे आर प्रेजेंट, मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन वाटर, एंड दे कंटेन ओनली वन सेल, एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बगैर ये हमें दिखाई नहीं देता। अब हम फर्दर एनिमल लाइक प्रोटेस्ट की क्लासिफिकेशन करा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन में फाइलम मस्टिगोफोरा है, फाइलम सर्कोडीना, फाइलम स्पोरोजोआ एंड फाइलम सिलिएटा, सिलिएट्स। ये हमारे बुक में ये चार फाइलम दिए गए हैं। हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लेते हैं फाइलम मस्टिगोफोरा, इसको हम काइनेटोप्लास्ट्स के नाम से भी जानते हैं, या जू प्लेजिलेट्स के नाम से भी जान सकते हैं। काइनेटोप्लास्ट्स है या जू प्लेजेलेट्स इसमें आते हैं, ठीक है। सर्कोडीना है यहाँ पे, सो फाइलम सर्कोडीना है, और फाइलम सर्कोडीना में हमारे साथ आते हैं अमीबा एंड अमीबा, रेडियोलेरिया है, रेडियोलेरिया, अमीबा एंड अमीबा एंड अमीबा, इसको हम अमीबाइड प्रोटोजोन के नाम से भी जान सकते हैं। ये पाइलम स्पोरोजोआ है, एपिकॉम्प्लेक्सेस है, मींस दैट स्पोर्स प्रोड्यूसिंग है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर्स। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं प्लाज्मोडियम, ऑलरेडी प्लाज्मोडियम पे लेक्चर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे, ठीक है। सीलिएट्स, दीज ऑर्गेनिज्म कंटेन सीलिया, यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको सीलिएट कहते हैं। अब हम आते हैं पाइलम मस्टिगोफोरा, जिसको हम नाम देते हैं जू प्लेजेलेट्स, मीन्स ऑर्गेनिजम्स एनिमल है। फ्लेजेलेटेड मीन एनिमल्स दैट कंटेन फ्लेजेला, ऐसी प्लांट एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है जिसमें प्रेजेंट होते हैं फ्लेजेला, हेंस दे आर मोटाइल, ये क्या है, मोटाइल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड काइनेटो प्लास्टिड्स बिकॉज इट कंटेन इन ऑर्गेनिल कॉल्ड काइनेटोप्लास्ट, एक स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है इन टाइप के तमाम ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। इसकी शक्ल कैसी होगी, शक्ल में स्ट्रक्चर, दीज ऑर्गेनिजम्स आर एलांगेटेड, ऐसे एलांगेटेड बॉडीज है इसकी, ऐसे एलांगेटेड स्ट्रक्चर है। इसमें होते हैं एक लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, और यहां भी एक ऑर्गेनिल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है काइनेटोप्लास्ट, इट कंटेन डीएनए,
ठीक है, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये सेंटर में यहाँ पे इसका क्या है, न्यूक्लियस है। इसके एक साइड से निकला हुआ है फ्लैजेला। सो दीज आर फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म, सो कॉल्ड ज़ू फ्लैजेलेट्स। हैबिटेट में इट इज फाउंड इन वाटर, ऑलरेडी एक्वेटिक मीडियम में ही। सो एक्वेटिक मीडियम में इट इज मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड्स आर लेक्स, जोहड़ और तालाब में इस टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो एक्वेटिक है मीडियम है क्या हैबिटेट में। इसके हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है इसका ट्रेपनोसोमा, ट्रेपनोसोमा। ट्रेपनोसोमा के अलावा ट्रेकोनिम्फ, इसके अलावा लेशमीनिया, ये तमाम के तमाम एग्जांपल है किसकी, फाइलम मस्टरोपोरे की, ज़ू प्लेजेलेट्स किया, काइनेटोप्लास्ट की जो कि एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। अब देखते हैं इसकी न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन ये खुराक कैसे लेते हैं। सो सम ऑर्गेनिज्म आर पैरासाइटिक, कुछ तो पैरासाइटिक है, एंड सम आर सिम्बायोटिक, कुछ ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग से खुराक लेते हैं और इनमें डिजीज काज करते हैं, जबकि सम ऑर्गेनिज्म फॉर्म बेनिफिशियल एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म। ये दोनों पैरासाइटिक है, ट्रिप्नोसोमा लिशमीनिया, और ये ट्रेकोनिम्फ है सिम्बायोटिक। ये दोनों क्या है, पैरासाइटिक है, डिजीज काज करते हैं इंसान में, और ये ट्रेकोनिम्फ है सिम्बायोटिक। दोनों का भी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि पैरासिटिज्म कैसे करवाता है और यहाँ पे ये ट्रेकोनिम सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे बनाता है किसी ऑर्गेनिज्म से। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे साथ है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा इज अ सिंगल सेल पैरासाइट, ये एक सिंगल सेल पैरासाइट है, यानी कि प्रोटोजोन है। इसकी बॉडी को देखते हैं। सो द बॉडी ऑफ प्रोटोजोन आर एलांगेटेड, कैसी बॉडी है, एलॉन्गेटेड बॉडी है ऐसे, एंड कंटेन फ्लैजेला, और इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। दे लिव इन द ब्लड ऑफ वर्टेब्रेट्स, यानी ह्यूमन। ये ट्रिप्नोसोमा इंसान के ब्लड में पाया जाता है। इंसान के ब्लड में कहाँ से आती है ये, सो इट ऑल्सो लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ लीचेस एंड इंसेक्ट्स। लीच एक इनवर्टिब्रेट है, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोड्स है, ये भी इनवर्टिब्रेट है, ये टिक एक ऑर्गेनिज्म है इनवर्टिब्रेट, इसकी बॉडी में भी ये प्रेजेंट होते हैं। सो ये ट्रिप्नोसोमा ये पैरासाइटिक है। सो इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड ट्रिप्नोसोमियासिस, और इन टाइप डिजीज को हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। सो द डिजीज विच इज कॉज बाय प्रोटोजोन वी कॉल्ड इन्फेस्टेशन। सो यहाँ पे ये अभी इसकी दो स्पीशी है, ये ट्रिप्नोसोमा है, ट्रिप्नोसोमा इसकी दो स्पीशी है, एक है ट्रिप्नोसोमा क्रोजाई, एक है ट्रिप्नोसोमा ब्रोसाई। सो ट्रिप्नोसोमा क्रोजाई इट कॉजेस ए डिजीज कॉल्ड चागास डिजीज। अभी चागास डिजीज कैसे काज होगा, ठीक है। सो इट इज फाउंड इन द पीस ऑफ ट्राइटोम बग, ये एक बग है जैसे कटमल जैसा एक इंसेक्ट है, ट्राइटोम बग, इसको हम कहते हैं किसिंग बग, बिकॉज इट टेक ब्लड फ्रॉम द पेस। अब ये बग्स प्रेजेंट होते हैं चारपाई की रूफ्स की क्रिवाइसिस में, एंड पश्तो विकार द कट पपियाड़मो की दा चकम कटमल दे दा तपाती की। सो दे अटैक अस व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं रात के दौरान, तो इट अटैक ऑन अस, इट या इट टेक ब्लड फ्रॉम पेस, सो इट किस द पेस, सो वी कॉल द किसिंग बग। अब मैकेनिज्म क्या है, देखिए मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है, इसका ये पेस है, अब ये बग आ गया ट्राइटोम बग, एंड ट्राइटोम बग यहां से इट सक द ब्लड, यहां से ब्लड को सक करता है। जब भी आफ्टर सकिंग द ब्लड इट रिलीज पीसेस,
इट रिलीज फीसेस, स्टूल जिसे हम कहते हैं। सो अब ये तो पैस है, स्कैन है, इस पे पड़े हुए हैं पीसेस, और दिस पीसेस कंटेन ट्रिप्नोसोमा क्रोजाए, इसमें ट्रिप्नोसोमा क्रोजाए इससे बाहर निकल गए। अब ये तो प्ले चले टूटे, ये मूवमेंट करते हैं स्किन के ऊपर। सो इट एंटर्स आवर ब्लड थ्रू आइज, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, आई की वजह से या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वजह से हमारी बॉडी में जाती है और ब्लड को पहुंचती है। या जब भी हमें ये कैसे बग हमारे पैस से ब्लड लेता है तो हम उस जगह के रबिंग करते हैं, ऐसे हमने पैस की रबिंग किया और स्किन को रपच्चर किया। सो उस वह जहां स्किन में रपच्चर हुई है उस रपच्चर साइड से इट एंटर्स द ब्लड एंड कॉजेस इन्फेक्शन कॉल्ड चागास डिजीजेस, ठीक है। सो चागास डिजीज के सिम्टम क्या होंगे, फीवर होंगे, बॉडी एक्स होंगे, स्वेलिंग ऑफ द आइज होंगे, फेटिक होगी यानी हमारे साथ ही थकावट, और इसी तरह स्वेलिंग ऑफ द इफेक्टेड एरिया आ जाएंगे और रैशेज भी बॉडी पे आ सकती है। दूसरा है ट्रिप्नोसोमा ब्रोसाई, ये टाइप की डिजीज, इट इज मोस्टली पाउंड, ये चागास डिजीज मोस्टली पाउंड इन अमेरिका एंड मेक्सिको में ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये अफ्रीकन स्लीप इन सिकनेस भी हम इसको कह सकते हैं, बिकॉज दिस डिजीज इज कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका। सो ट्रिप्नोसोमा ब्रोसाई कॉजेस अ डिजीज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस, इट इज ट्रांसमिटेड बाय अ वाइट फ्लाई कॉल्ड सीसी फ्लाई, ये टी साइलेंट है, सीसी टी एस ई सी टी साइलेंट है, सीसी फ्लाई एक फ्लाई है। इस सीसी फ्लाई की वजह से ये डिजीज एक इंसान से दूसरे को ट्रांसमिट हो सकती है। ये भी एक पैरासाइटिक डिजीज है, जब भी प्लाई इंसान को बैठ करती है तो ये पैरासाइट जाती है ब्लड में, और ये मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो जब भी ये पैरासाइट पहुंचता है सीएसएफ को, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को पहुंचता है, सो देन इट डिस्टर्ब द पैटर्न ऑफ स्लीपिंग, फिर ये हमारी स्लीप के पैटर्न को डिस्टर्ब करा देता है, ये हमारा स्लीप साइकिल को चेंज करा देता है। इसलिए द डिजीज इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस, फीवर भी होगी, बॉडी रेशेज भी होंगी, बॉडी एक्स भी होंगी, वॉमिट्स भी आ जाएंगी इसी के साथ। सो एक पैरासाइटिक डिजीज है। लास्ट वन में हम लेते हैं ट्रेकोनिम्फ, दिस ट्रेकोनिम्फ लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स, लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स, टर्माइट्स मीन्स दीमक। मिसाल के तौर पे हमारे साथ हो गया एक दीमक, ठीक है, ये दीमक की इंटेस्टाइन है। अब यहां पे इनके इंटेस्टाइन में एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्रेकोनिम्फ, यहां पे प्रेजेंट है। नाउ दिस टर्माइट विल ईट वुड, दीमक लकड़ियों को खाया जाता है। दिस वुड कंटेन सेलुलोज, इसमें सेलुलोज है। सो टर्माइट के साथ ऐसे एंजाइम नहीं है जो सेलुलोज की ब्रेक डाउन कर सके, इसलिए यहां पे ये इंटेस्टाइन में ट्रेकोनिम्फ विल रिलीज एंजाइम दैट ब्रेक सेलुलोज पार टर्माइट। यहां ये ट्रेकोनिम्फ एंजाइम को रिलीज करता है और जो सेलुलोज दीमक ने खाए है इसको डाइजेस्ट करा देता है। वेल इन रिटर्न दिस ट्रेकोनिम्फ गेट फूड फ्रॉम टर्माइट, टर्माइट को फायदा क्या हो गया कि इसके लिए सेलुलोज की ब्रेक डाउन हो गई, ये तो टर्माइट का फायदा हो गया, लेकिन यहाँ पे ट्रेकोनिम्फ का फायदा है कि ट्रेकोनिम्फ विल गेट फूड फ्रॉम टर्माइट। सो दोनों के बीच एक बेनिफिशियल एसोसिएशन है जिसको हम कहते हैं मेचुअलिज्म, ठीक है। इसी तरह लिशमेनिया भी एक डिजीज काज कर सकते हैं, लिशमेनिया से जिसे हम कह सकते हैं। सो लिशमेनिया और ट्रिप्नोसोमा दोनों पैरासाइट है वाइल ये सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ। दिस ऑल अबाउट एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में ये हमारे साथ थे फाइलम मास्टिकोफोरा। होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।